न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। थाना बेलघाट पर आयोजित थाना समाधान दिवस में पहुंचे डीएम और एसएसपी ने लोगों की सुनी फरियाद। 18 में से 4 मामलों का मौके पर किया निस्तारण। सड़क चौड़ीकरण का अभियान दूसरे दिन भी रहा जारी। एचएन सिंह चौक से असुरन चौक तक सड़क के मध्य से 13 मीटर स्थान किए गए एक तरफ के स्थानों को चिन्हित। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ गांधी स्मृति कमल पद यात्रा का हुआ समापन। बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने कहा 2019 में केंद्र में भाजपा सरकार बनाने को जनता तैयार। अर्बन क्षेत्र के सीएससी और पीएससी पर जल्द ही क्रियाशील होगा 6 रोगियों के जांच की निःशुल्क व्यवस्था। 6 रोगियों की खोज कर होगा समुचित उपचार। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव के अंतर्गत निकाला गया मशाल जुलूस। देश के आजादी के अमर शहीदों को किया गया याद। विजय दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद स्थल पर अमर शहीदों को किया गया याद। पूर्व सैनिकों द्वारा दीप जलाकर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। एनी रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कब बुलबुल उत्सव एवं स्काउट गाइड्स दीक्षा संस्कार समारोह का हुआ समापन। सीपीआरओ संजय यादव ने स्काउट गाइड्स के बच्चों को दिलाई प्रतिज्ञा। पिछले 3 माह के महिला उत्पीड़न के संबंधित घटनाओं पर की गई कार्यवाही पर 19 दिसंबर को समीक्षा करेगी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने परिसर की साफ सफाई, लोगों को स्वच्छता का दिया संदेश।